यो व्हाट अप माय ब्यूटीफुल एम्बियंस, हाउ आर यू गाइस? आई होप माय ऑल एम्बियंस आर डूइंग वेल। सो कैसी रही आपकी गुड मॉर्निंग? आई होप अच्छी रहेगी, बट मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। वो आप क्यों नहीं हुई? बिकॉज मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ मिली मेरे एक फ्रेंड श्रेयस की तरफ से। अब वो न्यूज़ ये थी, अब वो मैं बोलूँ भी कैसा, मतलब न्यूज़ ऐसी थी गाइस कि मेरा एक फ्रेंड है रोहित गोटेकर करके, उसका हाल ही में एक दो दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो बात मुझे आज सुबह मालूम पड़ी और वो अभी कोमा में है। येस गाइस, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया, सर पे उसको, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। सो ये मेरा क्लासमेट था एंड इसका ये जब न्यूज़ सुना मैंने तो एकदम लाइक दिल दहल गया मेरा। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर श्रेयस ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, बस अभी जो बिल हो रहा है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 5 लाख रुपीज़ का हॉस्पिटल का बिल हो रहा है। सो फंड रेज किया गया है। येस, अगर आपको डोनेट करना है लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एटलीस्ट 50 या फिर 100 रुपीज़ आप डोनेट कर ही सकते हो, बाकी आपके ऊपर है कि आपको कितना डोनेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्बियंस आप मेरे दोस्त रोहित के लिए डोनेट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने ऐसा कभी भी ब्लॉग में बोला नहीं है कि डोनेट करो डोनेट करो, आपसे जितना हो सके आप डोनेट करिए। बट ये बात ध्यान रख के कीजिए कि आपका एक डोनेशन किसी की लाइफ बचा सकता है। और एक चीज़ कहनी थी कि आप बाइक चला रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट पहना करो, राइडिंग गेयर्स पहन के राइडिंग करो, बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ। अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट भी होता है तो आपको चोट खरोच तो होगी, बट इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। देखो गाइस, वक्त सब वक्त पे निर्भर होता है। अभी देखो मेरा जैसे कि फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, उसको किधर पता था कि उसका एक्सीडेंट होगा? वो उसका जो टाइम था वो मे भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि गाड़ी ठीक से चलाया करो, क्या पता वो समय अच्छा हो या बुरा। ओए, क्या क्या हुआ बा? समय वाले क्या 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 हुआ? बहुत जानकारी दे रहा है, आपको देनी पड़ती है एम्बियंस को। तो अभी मैं एज ए इन्फ्लुएंसर नहीं दूंगा तो कौन देगा? नहीं, एक ही बात ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ वो तो है ही, जरा इधर भी ध्यान रखना, जरा जाले हो गए हैं ये, जरा फैन हाँ। देख कितनी धूल बैठी है, तो अभी फैन साफ करो। नहीं, वो भी उसको भी जरा ध्यान रखना घर। तो इसी तरह से पप्पा लाइव रोस्ट कर रहे हैं ब्लॉग में, रोस्टर्स लोगों की हमें को रोस्ट करने की जरूरत नहीं, घर पे इतने बड़े रोस्टर बैठे हैं जो हमें रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट का मतलब पप्पा आप मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं, मजाक का सवाल ही नहीं, मजाक नहीं, मतलब मेरी खिंचाई कर रहे। अरे सर, घर के सदस्य ने काम करना बहुत जरूरी है, भले आप सफाई हो या घर की शेयरिंग में थोड़ा हाथ बटाओ। तो फिर अभी एक काम दे दिया है डैड ने, पंखा साफ करने का। तो आज पापा ऐसा साफ करूंगा ना कि ऐसा पंखा फास्ट फास्ट दौड़ेगा, मतलब हवा देगा अच्छी तरह से, एसी से भी डेंजर। मतलब पापा फैन गरम है, चालू था ना? अरे यार, अच्छा साफ कर रहे हैं, काम चोर, काम के लिए बहुत बहुत साला आलसी है। अरे पापा आप भी कर रहे हैं ऊपर हाथ ऐसा। अरे उसके ऊपर इतना फिट बैठा है वो डस्ट, वैसे तेरे हल्के हाथ से जाने वाला क्या? आदमी का हाथ लगा ना मर्द का, और जैसा पोछा मार रहा है। अरे पापा, औरत मर्द का क्या? आज मर्द और औरत दोनों कंधे को कंधे लगा के काम चल रहे हैं। औरत जींस पहन रही है और लड़के लिपस्टिक लगा के टिकटॉक रील्स बना रहे। ये तो कलयुग है। मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एकदम कोना साफ हो गया है। सो पापा फाइनली काम हो गया है, चलो पगार निकालो। पगार मिलते है ना महीने का? महीने का मिलेगा ना महीने के बाद? मैं काम करता हूँ, मैं अभी ना पढ़ाई लिखाई जो है ना वो छोड़ देता हूँ और ऐसे ही मतलब काम करने में लग जाता हूँ, मस्त कमाई हो जाती है। ये पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है? नहीं, गलत। पहली देखो, नहीं सुनो अभी मेरे को खत्म। पहले से दूसरी 10वीं मैंने किया, क्या मतलब 10वीं मैंने अच्छे मार्क्स क्यों लाए? ताकि मेरे को 11th में अच्छा कॉलेज मिले। हाँ, फिर 12वीं में मैंने अच्छे मार्क्स क्यों लाए? क्योंकि मेरे को अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज मिले। और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या मतलब पढ़ाई लिखा इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। सही है, तेरी जो सोच है ना, तेरी सोच है, यही सोच मेरी भी थी पहले। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि सही है, पढ़ाई भी करना सही है। अगर पढ़ाई हो तो ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, वो तो सही बात है, बट देखा दोनों तरफ से मार रहा है बाजी। ऐसा नहीं है, देखो पढ़े लिखे करना चाहिए। अभी मेरे को बाइक सिखा रहा था तो हाँ सिखा रहा था कि नहीं? हाँ, नहीं सीख पाया, ऐसे ही रहेगा नाड़ी।
अगर वही बाइक में सीख लेता तो आज तेरे को इतना मन्नत ही नहीं करना पड़ती, चल मार्केट जाना है ले चल, चल स्टेशन जाना है ले चल। नहीं अभी मैं ऐसा पड़ा पड़ा घर में पड़ा हूँ, क्या करें। तो देखो बड़ा है अभी, अभी मेरे पास नहीं, नहीं, हमेशा बोलते हैं मैं बड़ा, लेकिन अब मैं इनके चरणों में पड़ा। ये ड्राइवर है बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई जरूरी है बेटा, हर चीज पढ़ना जरूरी है। तू जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, जिंदगी भर सीखता रहेगा तो भी तुझे कुछ कमी नहीं होगी। ये तो आपने सही बोला, मैं आज के जनरेशन को भी यही बोल रहा हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखो अभी टेक्निकल जमाना है, क्या है टेक्निकल जमाना है, टेक्निकल का कोर्स करो, द्विभाषिक ट्रांसलेशन का कोर्स करो, जैसा जर्मन है, फ्रेंच है, रशियन है। देखो तो आपकी जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी, बहाल हो जाएगी, लेकिन सुनते नहीं है। देखो आज ट्रांसलेशन के लिए बहुत डिमांड है। आज के युवा जनरेशन को मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के ज़्यादा मेहनत मत करो, 6-6 महीने का कोर्स है करो, कौन सा भी आपको अच्छा पसंद लगे, अगर इंग्लिश टॉकिंग अच्छी है तो मेहनत करो, आप घर बैठे आराम से 2-4 लाख आराम से कमाओगे। क्या बात करते हो, हाँ 100% ये मेरी जबान है। तो साबी मैं भी सोच रहा हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखूँ। नहीं नहीं जरूरी है सीखना भाई, सीखना जरूरी है, जरूरी सीखना, आजकल बहुत डिमांड है, बहुत बहुत डिमांड है। जैसे कि मेरे को रशियन नहीं आती, मेरे को रशिया जाना है, तो अभी मैं क्या करूँ, वहाँ का बोली अपने को नहीं समझ में आने वाली, तो मैं आमे को चुन लेगा, आमे बेटा चल मेरे साथ, तेरे को रशियन की भाषा समझ में आती है तो तू आमे का चार्ज लगाएगा। देखो मेरा पर डे का इतना चार्ज है, प्लस खान पान अलग, रहना अलग, उसका चार्ज। बड़े बड़े कंपनियाँ, व्यापारी, बड़े बड़े सेठ पैसे कुछ कमी नहीं ले जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ रहन सहन के लिए तुमको पुकार, ट्रीटमेंट अच्छी, गाड़ी, नौकर, और उनका जो मीटिंग रहता है आधा घंटे का रहता है, शॉर्ट हैंड सीख लो, शॉर्ट हैंड पढ़ लिख लिया, उनको समझा दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, उनके पल्ले पड़ गई बड़े बड़े लोगों के। अच्छा ये बात है क्या, डील करना है कोई व्यवहार को, इसलिए ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी को अगर ये फॉलो करेगा ना, तो मैं कसम से बोलता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी एकदम मस्त बहाल हो जाएगी। तो देखो गाइस मेरे ब्लॉग देख सकते हैं, आपको एक टिप मिल गया कि आप एक लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो। अगर आप साइड बाय साइड करना है आपको कुछ और, तो लैंग्वेज जरूर सीखना, क्योंकि एक लैंग्वेज आ गई तो एक तरह का एक आपके पास पावर आ जाता है। कला कभी मरती नहीं है, बराबर, जो तुम्हारे पास टैलेंट है ना वो कभी नहीं मरता है, जिंदगी भर तुम उसके ऊपर जी सकते हो। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, एक एक आजमा लो, सीख लो, भावी जीवन के लिए तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, उसके लिए मेरा आशीर्वाद है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पापा इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए और मेरे को फिर से मोटिवेट करने के लिए। और मेरे अभी देखो जॉब रहा नहीं है, किधर जॉब नहीं है, किधर जॉब, अभी जॉब नामुमकिन है। देखो देखो अपनी लाइफ बनाना है, अगर तुम्हारे ख्वाब अच्छे हैं कि मैं बड़ा होके ये करूँगा, वो करूँगा, वो बनूंगा, मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, कभी नहीं ऐसा होता है, उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। होप आपको मेरे डैड के मोटिवेशन वर्ड्स सुन के आपको मोटिवेशन आ जाएगा, और मुझे भी मोटिफिकेशन क्यों बोल रहा हूँ यार, मोटिवेशन आया। सो अभी फिर इस वीडियो को एंड करो यहाँ पे करना, लेकिन मेरा बात ध्यान गांठ मार लेना इस बात को। देखो बच्चे लोग बहुत तुम आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, और मेरी एक दिन याद निकालोगे कि हमें ये यूट्यूब वाले के जो हमें के पापा है उन्होंने जो मस्त नुस्खा दी बताया है तरकीब, आज हमारा फायदा हो गया, हमारी जिंदगी सुधर गई। इसी तरह से लाइक बटन को दबाकर ये ब्लैक और सब्सक्राइब के लिए हरा बटन, हरा नहीं ग्रे, चलो सॉरी, चलो ठीक है ट्राई तो किया डैड ने। और इस वीडियो का लाइक का एम कितना रखे पापा लिए, ये 1M क्या 1M से आगे जाएगा, 1M 1 million, आप रे 1 million, सब बच्चे देखेंगे ना अभी के 1 million लाइक्स, युवा पीढ़ी देखेंगे मतलब 10 लाख लाइक्स, ऐसा ऐसी बताने वाला कोई नहीं होगा आज के जमाने में। ओके okay. एक टेक्निक बता दिया तुम लोग को, आगे कैसे बढ़ाना है, बढ़ना है बराबर, आपकी लाइफ को कैसे 4 चांद लगाना है। गॉड ब्लेस यू, सो मिलते हैं कल 11:30 को शाम।